हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। जैसा कि हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, दो डायमेंशनल पिक्चर से संबंधित क्वेश्चन, यानी इंट्रोडक्शन टू टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी द्विविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ा है कि एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा होती है जो कि एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, और एक दूसरे को काटने पर चार अंश बनते हैं, उन्हें क्या करते हैं, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, और कोई भी पॉइंट है तो वो एक्स कॉमा वाई के जैसा डिनोट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति जिसमें तीन विमाएं होंगी, ठीक, 3D जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 3D। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रूम होता है, कमरा होता है, वो हमारा थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, यानी त्रिविमीय ज्यामिति है वो। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें आती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, 3D पिक्चर्स कहलाती हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी एक्सिस होंगी, तीन एक्सिस होंगी। यहाँ पर कितनी अक्ष होंगी, तीन अक्ष होंगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तीन अक्ष होंगी यानी तीन एक्सिस होंगी, एक्स, वाई और जेड, और ये आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री, यानी एक्स वाई के बीच का एंगल भी 90, वाई और जेड के बीच का एंगल भी 90, जेड और एक्स के बीच का भी एंगल 90। तो तीन एक्सिस होंगी, एक दूसरे को जहाँ डिवाइड करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑरिजिन यानी मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक, और ये परपेंडिकुलर होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी आपस में लंबवत होंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है तो जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी तीनों एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे। जैसे कि एक्स कॉमा वाई हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों एक्सिस हैं तो तीनों पे उसके कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के जैसे होंगे। उसके बाद ये तीनों एक्सिस हैं, ये स्पेस को यानी अंतरिक्ष को 8 पार्टों में डिवाइड करती हैं, यानी जो तीन एक्सिस हैं, थ्री एक्सिस हैं, ये स्पेस को यानी अंतरिक्ष को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, 8 पार्ट में, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अष्टांश यानी ऑक्टेंट। तो क्या कहलाएगा, ऑक्टेंट कहलाएगा, जिसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अष्टांश, यानी 8 अंश होंगे। बात समझ में आ गई, यानी जो तीन एक्सिस होंगी वो स्पेस को यानी अंतरिक्ष को 8 पार्टों में डिवाइड करेंगी, और उन 8 पार्ट को क्या कहेंगे, ऑक्टेंट्स यानी अष्टांश कहेंगे। देखिए 3D पिक्चर्स है तो उसको बोर्ड पे दिखाने में दिक्कत होगी, जैसे मान लो कहें कि एक घर कमरा बनाओ और वो बोर्ड पे दिखाओ तो वो इम्पॉसिबल है दिखाना हुआ, दिखा तो सकते हैं लेकिन उसको नेचुरलिटी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड होता है ये 2D पिक्चर है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं होती है, ठीक। तो 2D पे हम 3D कैसे बना पाएंगे, जैसे कि आप लोग ने आजकल देखा होगा, आजकल 3D मूवीज आती हैं, ठीक, तो वहाँ 3D मूवीज को दिखाने के लिए एक स्पेशल चश्मा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वास्तव में हो रही है उसको हम केवल देख रहे हैं, 2D में केवल देख रहे हैं, लेकिन 3D में उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही हमको दिख रहा है, 3D चीज़ दिख रही है, ठीक। इस पर कमरा बना देंगे तो वो दिखेगा कमरा है लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 2D होगी खाली, ठीक। तो इसलिए 3D के बारे में हमको पढ़ना है, तो हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से ग्राफ मतलब पिक्चर दिखाई नहीं आ सकती यहाँ पर। तो ऑक्टेंट होंगे, 8 होंगे। अब जैसे हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या किसी एक्सिस पे। उसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के जैसा होगा, और वो कहाँ पर लाई करेगा वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्टेंट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, किसी ने एक्स एक्सिस को ये ले लिया है, वाई को ये ले लिया, जेड को ले लिया, तो उस हिसाब से जो है वो ऑक्टेंट के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्स इधर वाई इधर, उसी हिसाब से चल रहे हैं और जेड को हमने इधर कर लिया, तो हमारे पॉइंट इस हिसाब से हो जाएंगे। तो अगर कोई पॉइंट हमारा किसी ऑक्टेंट में है, ये हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पर है, भाई तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, जैसे ये
तो एक्स वाई और जेड जब तीनों कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट में होंगे तो वो किसी ना किसी ऑक्टेंट यानी अष्टांश में लाई करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्टेंट कितने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट। तो आठ ऑक्टेंट है। अब किसमें कौन सा पॉइंट जो है वो आएगा ये हम लोग कैसे जानेंगे वो जरा देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या होंगे उसके साइन यानी चिन्ह लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में सिक्स में सेवन में और एट में, यानी पॉइंट हमारा कहाँ है कैसे जानेंगे। देखो तो या पहले तो मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक, तो अब उसके साइन कैसे होंगे वो यहाँ पर समझते हैं कि साइन हमारे किस तरीके से हम जानेंगे। देखें तो सबसे पहले अगर जो हमें पॉइंट दिया है उसके सारे कोऑर्डिनेट के साइन क्या है पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और अगर सारे नेगेटिव है तो एट में आएगा। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया, सारे पॉजिटिव तो फर्स्ट में और सारे नेगेटिव तो एट में। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हम याद नहीं रख पाएंगे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर याद कर लिया वैसे यहाँ पर याद रखना कठिन है। तो जब भी कोई पॉइंट दिया जाता है और हमसे ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा तो हम पॉइंट का साइन देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पॉइंट है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई कोऑर्डिनेट जीरो है, जैसे मान लो लिखा है ये, तो ये जो पॉइंट है ये किसी ऑक्टेंट में नहीं आएगा। तो ऑक्टेंट में कौन से पॉइंट आएंगे जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाला भी वाई वाला भी जेड वाला भी, तब हम उसके साइन देखेंगे। तो पहले टेबल को हमने बनाया कैसे वो देख लेंगे, फर्स्ट में तो क्लियर सारे प्लस, लास्ट वाले यानी एट में सारे हमारे क्या हो गए माइनस। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इस तरीके से तिरछा माइनस, बाकी जो बचे वो प्लस हो गए। ठीक, यानी माइनस माइनस माइनस, तिरछा तिरछा माइनस, डायगोनल के ऐसा यानी विकर्ण के ऐसा, और जो बाकी बचे जगह वहां पर क्या कर देंगे प्लस। उसके बाद इस तरीके से तिरछा तिरछा प्लस, और जो बाकी बचे उसमें क्या कर देंगे माइनस। तो बस ऐसे ध्यान रखना है ये। तो कभी भी अगर पॉइंट दे दिया जाए तो हम जल्दी से इसको रफली बना लें। ठीक, बनाने का तरीका क्या, ऐसे ऐसे माइनस और ऐसे ऐसे प्लस कर दो। ठीक, इसमें जो बचे वो माइनस, इसमें बाकी जो बचे वो प्लस। पहला तो क्लियर है प्लस प्लस रहेगा, उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, और लास्ट वाले में सारे माइनस रहेंगे। तो अगर अब जैसे ये पूछा गया 2 माइनस 3 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस किसमें आ रहा है थर्ड में, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा थर्ड में। पॉइंट अगर दे दिया गया 2 माइनस का 4 माइनस का 4, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कहाँ पर आएगा सेवेंथ में आएगा। ठीक, और कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पॉइंट दे दिया गया माइनस सिक्स माइनस टू वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस किस में आएगा फिफ्थ में आएगा। ठीक, तो ये सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है और उसमें तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, तो उसके साइन देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस ऑक्टेंट में आएगा। इस टेबल को बनाने का तरीका भी बता दिया। लेकिन अगर तीनों में से कोई मिसिंग है यानी किसी के जीरो है तो फिर ऑक्टेंट में नहीं आएगा, तब किस में आएगा वो सीखते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट में यानी जो पॉइंट है उसका एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है जीरो, तो किसी प्लेन में आएगा, प्लेन यानी तल या समतल भी कह सकते हैं, और इधर आएंगे पॉइंट्स।
यानी बिंदु हमारे किसके जैसे होंगे। देखो तो पहला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा हमारा जेड एक्स प्लेन। ये हमारे तीन प्लेन होते हैं, ठीक, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। कोई जरूरी नहीं कि जेड एक्स लिखाओ, एक्स जेड लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, वही प्लेन होगा, ठीक। जेड वाई लिख दिया जाए तब भी वही प्लेन, ठीक। तो प्लेन में ऐसा नहीं कि एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई होगा, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब समझते हैं कि आखिर अगर हमारा कोई प्लेन, अगर कोई पॉइंट दे दिया गया और हमसे ये पूछा गया बताइए ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों कोऑर्डिनेट है तो ऑक्टेंट में आएगा, किस ऑक्टेंट में आएगा वो भी बता दिया। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो किसी ना किसी प्लेन में आएगा। अब प्लेन क्या होता है पहले समझते हैं, एक्स और वाई, एक्स एच और वाई एच को मिला के जो तल निर्मित होता है यानी जो प्लेन निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड एक्सिस मिला के जो प्लेन बनता है वो वाई जेड प्लेन, और ऐसा प्लेन जिसमें जेड और एक्स एक्सिस आएंगी वो जेड एक्स प्लेन कहलाएगा, ठीक। तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक। इसमें वाई जेड प्लेन है तो वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। ये जेड एक्स प्लेन है तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बस वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर लाई करेगा, स्थित होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर उन तीन कोऑर्डिनेट में कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये किसी प्लेन में आएगा, किस प्लेन में आएगा, जो कोऑर्डिनेट हैं उस प्लेन में आएगा। जैसे यहाँ एक्स 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 और वाई है तो ये एक्स वाई प्लेन में आएगा, ठीक। ये किस में आएगा, वाई जेड प्लेन में आएगा। ये किस में आएगा, जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन में आएगा। तो अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो किसी प्लेन में आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 201, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इसमें कौन कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है, तो ये कहाँ आएगा, जेड एक्स प्लेन में आएगा, ठीक। मान लो दिया 0-1, 2, अब ये पूछा कहाँ पर है, यहाँ पर साइन से कोई फर्क नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब इससे है कि एक कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो ये किस में आएगा, वाई जेड प्लेन में, ठीक। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो कोऑर्डिनेट हमारे जीरो हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो किसी प्लेन में आएगा, लेकिन अगर दो कोऑर्डिनेट जीरो है तब कहाँ पर आएगा, तो किसी एक्सिस पे आएगा, यानी किसी अक्ष पर आएगा, और तब उसके पॉइंट्स कैसे होंगे, यानी बिंदु उसके किस प्रकार के होंगे। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है, सिंपल सा। अगर एक्स एक्सिस है तो उस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी जीरो होंगे। वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी जीरो होंगे। और अगर जेड एक्सिस है तो जेड कोऑर्डिनेट होगा, बाकी हमारे क्या होंगे, जीरो, ठीक। तो अगर किसी भी पॉइंट में अगर तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो किसी ऑक्टेंट में आएंगे, साइन से हम पता करेंगे किस ऑक्टेंट में है। और अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो किसी प्लेन में आएंगे, यानी तल में आएंगे, किस में आएंगे, तो जो कोऑर्डिनेट हैं उस प्लेन में ये आएंगे। और अगर दो कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो वो किसी एक्सिस पे आएंगे, यानी किस एक्सिस पे पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट उसमें मौजूद है। जैसे मान लो दे दिया गया 6-0-0, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट केवल है, बाकी जीरो है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो ऑक्टेंट में, एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो प्लेन में, और अगर दो कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो एक्सिस पे, और तीनों जीरो हैं तो ऑरिजिन हो गया, सिंपल सा। तीनों जीरो हैं तो वो ऑरिजिन हो गया, 0, 0, 0। तो ये हमें पता चल गया कि अगर कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि वो कहाँ लाई करेगा तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक। तो ये पहला टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे,
तो अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे समझते हैं। अगर पहला पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट, जैसे कि अगर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था दो के लिए फॉर्मूला, तो क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे x1, y1, x2, y2 पॉइंट है तो डिस्टेंस ये होगी, तो यहाँ पे एक जेड ही तो बड़ा है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेगा। तो पुराना फॉर्मूला याद है, नया थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। एक चीज और, जो भी डिस्टेंस आएगी ये किसमें लिखेंगे, यूनिट। अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट सकते हैं। यूनिट या हिंदी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई, या क्या लिख सकते हैं, मात्रक। ठीक, तो ये लिखना जरूरी है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं और मात्रक लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट 2 - 1, 3, दूसरा पॉइंट है 4, 2, -1, ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो d बराबर अंडर रूट। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख दें, लिखा होता है बहुत में, कोई दिक्कत नहीं। देखो चाहे x1 से x2 माइनस करो, चाहे x2 से x1 माइनस करो, केवल साइन का फर्क पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का ही हो जाएगा। ठीक, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस ये करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं, तो 2 - 4 - 2 स्क्वायर किया प्लस का 4, -1 - 2 - 3 स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो 16 + 4 = 20 कितना आ गया, 29। अगर रूट के बाहर निकलता है तो निकालो, नहीं निकलता है तो ऐसे रहने दो। तो रूट 29 इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरीके से सभी को समझना है, शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2 - 1, 0 और 3, a और 1, यहां पे कुछ और लिख लो, यहां पे लिख लो 2। ठीक, इनके बीच की दूरी, एक मिनट, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, यानी दो पॉइंट दिए गए हैं और हमसे अगर ये पूछा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालो तो जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट किया जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो इसमें हम लोगों ने उसकी स्टार्टिंग की चीज़ें सीखी, आगे की चीज़ें जो है वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आए तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, थैंक यू।